पंजाब न्यूज़ अपडेट वालों आप सब स्रोतियां जी आया। जेकर तुसी चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल नू सबसक्राइब कर लो ते बैल आइकन ऑल ते क्लिक कर लो जिस नाल साडी अपडेट सब तो पहलां तुहाडे तक पहुँच सके। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर लो। थोड़ा एक एक लाइक साडे लई मोटीवेशन का काम करता है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दीआं सारीआं अदालतां च भलके हड़ताल का ऐलान। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट बारे एसोसीएशन वालों चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दीआं सारीआं अदालतां च काम ठप्प रहेगा। हड़ताल ते जाण दा फैसला लिया है। उन्होंने यह फैसला जिला श्री मुक्तसर साहिब च हिरासत विच लै के एक वकील नाल अणमुखी वितरे दे इल्जामां तों बाद लिया है। दस दईए कि कथित दोषी पुलिस अधिकारियों खिलाफ सी जे एफ वालों शनिचरवार नूं कार्रवाई करदे दे हुक्म पारित किए गए हैं। बा एसोसीएशन दे इल्जाम है कि मुलाजम खिलाफ हुण तक एफ आई आर दर्ज नहीं की गई, इसलिए उन्हां वल्लों श्री मुक्तसर साहिब दे एस एस पी नूं तुरंत मुलाकात करन लई मंग की है, जिसनूं मुख रख के उन्होंने चेतावनी दी है कि मंग पूरी ना हुई तो अणमिथे समय लई हड़ताल जारी रहेगी। उन्हें इल्जाम लाया कि संबंधित अधिकारी खिलाफ बनती कार्रवाई करने की बजाय पीड़ित विकल्प से शिकायत वापस लैण की दबाव पाया जा रहा है। उन्होंने परिवारक मैंबरों को भी धमकियां दित्तियां जा रही हैं। लाइव ला दी रिपोर्टर मुताबिक बार एसोसीएशन ने कहा इस तक के बावजूद कि एल डी सी एस मुताबिक मुक्तसर साहब ने मुलाजम पुलिस अधिकारी विरुद्ध एफ आई आर दर्ज करने के हुक्म दिए सन, पर श्री मुक्तसर साहब थाना सदर के एस एच ओ ने अजे तक एफ आई आर दर्ज नहीं की। सगों असी एस एस पी श्री मुक्तसर साहब के इशारे ते शिकायत दरखास्त वापस लैन लई धमकियां दित्तियां जा रही हैं। खबर नूं अंत तक वेखण लई आप सब का धन्यवाद।